मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। अर्थात ये नहीं कि आपको अगर मुझसे पढ़ के पूरा चैप्टर समझ आ जाए तो आप सबको जाकर के बताओ कि यस मुझे समझ आ गया, मुझे समझ आ गया, मुझे समझ आ गया, तू बता मैं बताऊं। नहीं यार, आपका रिजल्ट आएगा अपने आप पता लग जाएगा, किसी को जाके बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब रिजल्ट आए उस दिन बताना मत भूलना कि आप मुझसे पढ़े थे। ठीक है, तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पार्ट 7 हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। लास्ट क्लास में हमने डेरिवेशन की थी पावर और हीट की। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, अभी जल्दी से अपने कॉपी पेन निकाल लो, आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 7, जो आज हम न्यूमेरिकल वाला पार्ट शुरू करेंगे, जो आपके सब सारे फेवरेट होते हैं ना। कितने फेवरेट न्यूमेरिकल्स है आपके, है ना? मुझे ही पता है, आपको भी पता है। ठीक है, बट शुरू करने से पहले हम एक बार इनके फॉर्मूले लिखेंगे, पहले एक बार टॉपिक चेक कर लेते हैं। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे पावर और हीट के, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को आती है, और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हम देखेंगे एग्जांपल्स। ठीक है, ठीक है, ये देखो इलेक्ट्रिक आयरन। बट शुरू करने से पहले मैं आपको जरा सारे फॉर्मूले एक बार बता देता हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में। तो फॉर्मूला क्या था, पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्यू इज इक्वल टू एन ई। पहला फॉर्मूला था चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टू ये चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। दूसरा हमने पढ़ा था आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तीसरा हमने पढ़ा था वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। चौथा फॉर्मूला हमने पढ़ा था ओम्स लॉ का, वो था वी इज इक्वल टू आई आर। फिफ्थ फॉर्मूला वॉज सीरीज का, या पहले रेजिस्टेंस का लिख लेते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। फिर सीरीज का था, सीरीज का क्या था, आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री एंड सो ऑन। फिर पैरेलल का था, पैरेलल क्या था याद है, पैरेलल था वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री एंड सो ऑन। सात हो गए। एट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 8 अब पावर और हीट के शुरू हो गए थे। पावर का फॉर्मूला था जनरल फॉर्मूला वी आई, उसको अगर आप वी की जगह आई आर डालोगे तो नया फॉर्मूला आ गया था, वो था आई स्क्वायर आर। और नंबर 10 था पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। 10 हो गए। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला था पावर इंटू टाइम, इसको हम हीट भी कह सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है कोई। नंबर 12 हीट का एक और फॉर्मूला था याद है, पी की जगह वी आई डालो तो ये हो गया वी आई टी। नंबर 13 वी की जगह आई आर डाल दो, वो आ जाएगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आई स्क्वायर आर टी। और नंबर 14 आप इन सब में है ना अपॉन टी अपॉन टी अपॉन टी लगा दो, तो हीट के तीन फॉर्मूले बन जाएंगे, क्या वी स्क्वायर टी अपॉन आर। आप देखो वी आई वाला फॉर्मूले से में टी लगा दोगे तो ये बन जाएगा, आई स्क्वायर आर में टी लगा दोगे तो ये बन जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर में टी लगा दोगे तो ये बन जाएगा। तो पावर और हीट में सिर्फ एक टी का गैप है, बाकी फॉर्मूले बिल्कुल सेम है। पावर की याद कर लो, हीट की याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये बेचारा प्रेस कर रहा था, प्रेस खराब हो जाएगी यार पड़े पड़े उसकी, है ना, इतनी देर हो गई वो पानी मारे जा रहा है, बताओ प्रेस भी नहीं कर रहा। कह रहा है इलेक्ट्रिक आयरन है जो एनर्जी रेट एनर्जी एट अ रेट ऑफ कंज्यूम एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट लेती है व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम, जब हीटिंग मैक्सिमम रेट पे होती है, और 360 वॉट लेती है जब हीटिंग होती है मिनिमम पे। मतलब आपने देखा होगा नॉब तो देखा होगा आपने इलेक्ट्रिक आयरन का, आपने प्रेस नहीं करी वो बात अलग है, लेकिन हमने नॉब तो देखा ही होगा। एक इसमें मिनिमम होता है जिसमें सबसे कम हीट होती है, और एक इसमें मैक्सिमम भी होता है नॉब। तो मिनिमम से मैक्सिमम जाते हैं तो क्या होता है, इसका वो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। मिनिमम पे जाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और मैक्सिमम पे जाएंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। ये मैंने लास्ट मिनट में समझाया था आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में। अच्छा, वी कह रहा है हमारे घरों में 220 ही आती है, आपको पता भी होगी ये बात, है ना। कह रहा है बताओ करंट और रेजिस्टेंस बता दो दोनों केस में। तो हम दो केस बनाते हैं, एक मैक्सिमम का केस है और एक मिनिमम का केस है। पहले हम मैक्सिमम ले लेते हैं जब वो मैक्सिमम हीट दे रहा है। पावर है मेरे पास, पावर इज 840 वोल्ट, ठीक है, और वी कितना है मेरे पास, वी है 220 वोल्ट। अभी फिलहाल मैं मिनिमम को 2 मिनट के लिए स्किप कर रहा हूँ, सेकंड केस है, पहले मैक्सिमम के केस बना रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू वी आई, पी कितना है 840 इज इक्वल टू वी कितना है 220 इंटू आई, आई को नीचे लेके जाओगे ये होगा 840 अपॉन 220। मैं प्रेफर करूंगा इसको डेसिमल में करूं, ये आ गया 11, ये आ गया 242 आ गया, तो आई आ गया आपके पास, आई आ गया 42/11। आप इसको डेसिमल में करोगे, 42 को 11 से डिवाइड कर लो, 11 3 जा 33, ठीक है, ये जाएगा 33 9 पे, 9.08 कितना आया ये 11 8 जा 88, फिर आया 2,
फिर आएगा 1, 3.81 आ गया, ऑलमोस्ट आ गया 3.81 एम्पियर। यूनिट लगाना मत भूल जाना भाई, आप अप्रोक्स है ये भी लगाना जरूरी है अगर आप डेसिमल में जाते हो तो। ठीक है, आंसर आ गया। नाउ फिर से लगाओ, अब लगेगा ओम्स लॉ, क्योंकि देखो करंट भी पूछा है और आर भी तो पूछा है, तो वी इज इक्वल टू आई आर। वी कितना है मेरे पास, वी मुझे 220 पता है, आई मैंने अभी निकाला, बट मैं डेसिमल में ना लेके 42/11 ले लेता हूँ, मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इंटू आर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये होगा 220 × 11/42 आ जाएगा आपके पास। कट रहा है ये कट रहा है, 2 पे जाएगा वैसे, और तो कुछ कट नहीं रहा। 110 11 का स्क्वायर कितना होता है, इट इज 121। तो अब मैं फिर से डिवाइड करूंगा इसको, फिर से इसको डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड होके आएगा आपका 110 का स्क्वायर, मतलब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 121 होता है ना, 121 0/21 आएगा आर, आर आएगा 1210/21, 21 3 4 4 5 21 5 6 5 पे चेक करें एक बार, 21 5 जा हो गया आपका, 5 × 5 5 × 10 105, 21 6 6 6 6 12 ये बड़ा हो गया तो 5 पे जाएगा, तो ये आएगा 105। 11 में से 5 गए 6 बचे, 1 में से ये 1 का 1 एज इट इज आ गया 0। ठीक है, और अगर आप फिर से करोगे 160 तो 21 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 7 से एक बार चेक करें, 7 × 7 7 × 14 जा रहा है, तो 7 से गया ये। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा आपका 60, 10 में से 7 गए 3, ये आ गया 3 और 5 में से 4 गया 1, 13 आ गया, डेसिमल लगेगा। अब ये आएगा 0, अब ये किस पे जाएगा 21, ये जाएगा 6 पे, तो बस 57.6 लिख लो, इनफ है। तो आर आ गया मेरे पास कितना आ गया, इट इज 57.6 ओम, अप्रोक्स लगा देना इसके आगे भी। ठीक है, तो दो आंसर आ गए आपके, मैक्सिमम का आपका करंट भी आ गया और मैक्सिमम आपका रेजिस्टेंस भी आ गया। अब हम बात करते हैं मिनिमम की। अब अगर हम मिनिमम पे चले, सेकंड केस है ना मिनिमम, जब मिनिमम पे नॉब जाएगी, मिनिमम कितना है मेरे पास 360 वोल्ट है, पावर है मेरे पास कितना 360 वोल्ट, और वी कितना मेरे पास है 220 वोल्ट। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू वी आई, पी कितना है 360 × 220 × I। ठीक है, अब डिवाइड में जाएगा तो ये होगा 360/220 आई आ जाएगा मेरे पास, डेसिमल से डेसिमल गया, ये गया 11 पे, ये गया 18 पे, 18/11 आ गया आई, आ गया आपके पास 18/11। आप इसको काटोगे कितना आएगा, 18 को आप 11 से काटो, 11 × 1 = 11, ये कटा 7.0, 11 × 6 = 66, ये कटा 4.0, ऑलमोस्ट 1.63 आएगा, ऑलमोस्ट कितना आएगा 1.63 एम्पियर अप्रोक्स लगा देना इसके आगे भी। अब ओम्स लॉ लगाओ, V इज इक्वल टू आई आर लगाओ, R निकालो, V कितना है मेरे पास, V है 220 वोल्ट, I आई 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 डेसिमल वाला ना लेके हम 18/11 ले लूं, इंटू R क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 220 × 11/18 R आ जाएगा आपके पास। कट रहा है ये 9 पे, ये कटेगा 110 पे, अगेन फिर से 11 का स्क्वायर आ रहा है बट डिनोमिनेटर में 9 आ रहा है ना, तो 9 में तो करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से कर सकते हैं हम। तो ये आ गया आपके पास आर, आ गया आपके पास 11 का स्क्वायर 121, 1210/9। अब 1210 को 9 से डिवाइड करो, 9 × 9 कितना आया 3, 1 × 9 = 27 कितना आया 4, 0 × 9 = 36 कितना आया 4.0094 = 36, 134.4 ऑलमोस्ट आ रहा है, 134.94 = 36 पॉइंट लगा, फिर 0 आया ऑलमोस्ट। आप ये मान लो कितना आ रहा है 134.4 अप्रोक्स में लिखना है इसको, ओम अप्रोक्स ये आंसर आ गया। सो दीज आर योर आंसर, आर ये रहा और आई ये रहा, आई का है मेरा ये रहा आपका 1.63 एम्पियर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, देखो एंड वाले आंसर को डेसिमल में करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास आंसर, ये अप्रोक्स में लिखे हुए वैसे। अगला कह रहा है 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन 4 ओम रजिस्टर,
100 जूल की हीट निकल रही है हर एक सेकंड में, तो हीट कितनी है मेरे पास, हीट है 100 जूल। टाइम है मेरे पास ईच सेकंड मतलब 1 सेकंड। आर है मेरे पास 4 ओम। कह रहा है वी निकाल दो, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट हो रहा है इसमें। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एच इज इक्वल टू याद है वी स्क्वायर टी बाय आर, क्योंकि मुझे एच पता है और मुझे वी निकालना है, टी पता है आर पता है, निकल वैल्यू पुट करो। 100 इज इक्वल टू वी स्क्वायर नहीं पता इंटू टी मतलब 1, आर कितना है 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 100 इंटू 4 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो ये आ गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। 400 होता है आपका 20 का, तो वी आ गया 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट आपका आंसर आ चुका है, वी आ गया मेरे पास। एक और तरीका इसको ऐसे करने का, इट्स योर विश, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अच्छा कह रहा है कॉर्ड जो है इलेक्ट्रिक हीटर का ग्लो नहीं करता बल्कि उसका हीटिंग एलिमेंट ग्लो करता है, कोई वजह है इसके पीछे? ये भी लॉजिक लास्ट क्लास में बताई थी याद है, लास्ट वीडियो में। ये मान लो ये आपका हीटर है, ये बीच में जो लगी होती है ये हीटिंग एलिमेंट, ये ग्लो कर रहा होता है, बट जो कॉर्ड है ये जो तार है जो यहाँ पे स्विच में जाती है ये ग्लो नहीं करता, ये ग्लो नहीं करता बट ये ग्लो करता है। ग्लो मतलब हीट निकलेगी, और हीट ज्यादा उसी में निकलती है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, सिंपल। इसका मतलब उन्होंने जान के इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस क्या रखा होता है, मोर रखा होता है, और इस वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस लेस होता है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और उसमें से करंट फ्लो होगा तो उसमें हीट भी क्या निकलेगी, ज्यादा। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा और उसमें से हीट निकलेगी तो उसमें हीट भी, करंट जाएगा उसमें हीट भी क्या होगी, कम निकलेगी। सो बिकॉज हीटिंग एलिमेंट हैज मोर रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हीटिंग एलिमेंट। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज अ रेजिस्टर, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय इट प्रोपोर्शनल टू इट रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज वेरी हाई, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई रखने की वजह से एज करंट फ्लो थ्रू द हीटिंग एलिमेंट ये बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगा और रेड ग्लो करना शुरू कर देगा। ऑन द अदर हैंड जो रेजिस्टेंस है ऑफ द कॉर्ड का वो बहुत ज्यादा क्या है, वो बहुत ज्यादा लो है, ठीक है। इट डज नॉट बिकम रेड जब करंट फ्लो करेगा, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ग्लो करेगा, जिसका नहीं होगा वो ग्लो नहीं करेगा। ओके कह रहा है गर्मी निकाल दो, किस में हीट निकाल दो, हीट किस में, वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख लें, वो सबसे इक्वेशन इजी हो जाएगा। देखो क्यू है मेरे पास 96,000 कूलम, क्यू है मेरे पास 96,000 कूलम, और टाइम है मेरे पास 1 आवर। ऑब्वियसली यूनिट तो होती नहीं, आवर सेकंड में करूंगा तो ये होगा 3600 सेकंड। और वी कह रहा है मेरे पास 50 वोल्ट है, और तो कुछ नहीं दे रहा ना, नहीं और कुछ नहीं दे रहा। कह रहा है हीट निकाल दो, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट का फॉर्मूला होता है वी इंटू आई इंटू टी, यही होता है ना बेसिक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। अच्छा बट मुझे आई नहीं पता, तो हम एक काम करते हैं ना, इसी में फॉर्मूले में आई की जगह में क्यू बाय टी लिख दूं जो फर्स्ट फॉर्मूला था, और इस टी से ये टी कट जाएगा, मेरा क्वेश्चन कितना इजी हो गया, है ना। तो ये हो गया वी इंटू क्यू, मुझे टी की जरूरत नहीं पड़ी। वी कितना है मेरे पास 50, क्यू कितना है मेरे पास 96,000, 96 को 5 से करो आप, ये आएगा 480, और कितने जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4, तो ये आ गई आपके पास हीट, ठीक है, जूल्स 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे ना, 4.8 × 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 जूल्स, बोथ आर करेक्ट, 48 लाख जूल्स हीट। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अगला कह रहा है एक बल्ब है जो 220 वोल्ट के जनरेटर पे कनेक्ट हुआ, करंट गया 0.5 एम्पियर, बताओ पावर कितनी होगी। इज सिंपल द फॉर्मूला है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, सीधा फॉर्मूला लग रहा है, P इज इक्वल टू वी आई, वी कितना है मेरे पास, वो है 220 वोल्ट, आई है मेरे पास 0.5 एम्पियर, डेसिमल हटा 10 लगा, गया इस पे ये आ गया 110 वॉट, पावर आ गई कितनी 110 वॉट, खत्म। कह रहे व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट, ये मैक्सिमम बच्चे पता है इस क्वेश्चन को गलत करके आता है, पता है आपको। कह रहा है क्या पता लगता है कि जिससे रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड,
तो एनर्जी इज डिलीवर्ड, और रेट का मतलब मैंने कई बार बता चुका हूं आपको, जब भी रेट वर्ड आ जाए ना, इसका मतलब इसके डिवाइड में है टाइम, खत्म। एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी का फॉर्मूला पता है क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। अगर आप टाइम को उठा के नीचे ले आओगे तो एनर्जी बाय टाइम क्या कहलाएगा? तो पावर ही तो कहलाएगा वो। तो आंसर इज पावर। क्या डिटरमाइन करता है? पावर आंसर है। बच्चे हीट लिख के आते हैं, हीट नहीं है आंसर, पावर आंसर है। बहुत बड़ी मिस्टेक है ये। आंसर इज पावर, पावर। ठीक है, एक कह रहा है एक मोटर है जो 5 एम्पियर यूज करती है 220 वोल्ट की लाइन के लिए। कह रहा है पावर निकाल दो मोटर की और एनर्जी निकाल दो 2 घंटे में। सिंपल है, पावर निकाले पहले। देखो पहले मुझे करंट कितना गिवन है, करंट है 5 एम्पियर गिवन, और वी कितना गिवन है, वी है मेरे पास 220 वोल्ट गिवन। पावर निकाल सकता हूँ, पी इज इक्वल टू वी आई, कितना हुआ 220 × 5। इसको आप करोगे तो ये आएगा ऑलमोस्ट 1100 वॉट पावर आ गई। कह रहा है एनर्जी भी निकाल दो, दो चीजें पूछ रहा है ना। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम। पावर कितनी है मेरे पास? 1100 वॉट। और टाइम कितना है मेरे पास? इन 2 आवर। टाइम भी गिवन है मुझे, टाइम है 2 आवर। तो वॉट तो ऐसे यूनिट होती है पावर की, बट आवर नहीं होती, पता है आपको, सेकंड होती है। तो 2 आवर, आवर को सेकंड में करने के लिए 3600 सेकंड हो गया अभी, और वॉट सेकंड बनते ही वो जूल आ जाएगा, है ना। अब हम इसको सॉल्व करें तो ये होएगा आपका 36 × 2 करें 72 × 11 और कितने जीरो 1234 जूल। ये बात हमेशा याद रखना। क्या देखो, ध्यान से देखो, मैंने किया गया, मैंने ना इसको टाइम को सेकंड में कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आवर इज नॉट द यूनिट, यूनिट क्या होती है? सेकंड ही तो होती है, तो मैंने इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। और वॉट सेकंड मिलके क्या बन जाते हैं? जूल्स बन जाते हैं। अगर आप नहीं करोगे तो जूल्स नहीं बनेंगे और जीरो मार्क्स मिलेंगे। अब हमें इसको सॉल्व करना है बस। और फिर मैंने क्या किया, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 72 आ गया, और ये 11 मैंने यहां लिख दिया, 4 जीरो थे, 4 जीरो मैंने एज इट इज यहां लगा दिए। सिंपल मल्टीप्लाई करना है 72 को 11 से, 72 को 10 से करो, फिर 72 करो तो 297, तो आंसर आ गया 792 1234 जूल इज द आंसर। ये एनर्जी आ गई आपके पास। कह रहा है कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता, नहीं करता, डज नॉट पावर का फॉर्मूला, ये करता है, ये नहीं करता, ये भी करता है, ये भी करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। आई आर स्क्वायर क्या होता है? आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। एक बार मैं आपको इनके आंसर भी दिखा देता हूं। ये देखो, ये इनके आंसर है। सो आज हम यहीं तक करेंगे। अब आपके एनसीईआरटी के बैक के क्वेश्चन रहते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आपको पता है बैक क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में बार 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 वही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जब तक के लिए इस वीडियो को एटलीस्ट 2 से 3 बार देखो और रिवाइज करो, खत्म कर डालो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।